हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपको दिखाते हैं कि कोई भी इमेज है उसका क्यूआर कोड कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, उसका इमेज का किस तरह से क्यूआर कोड बनाया जाता है। चलिए अभी इसके लिए क्या करते हैं। जैसे पहले तो हमें गूगल क्रोम को ओपन करना होगा। इसमें क्या लिखना है वो बताते हैं। गूगल क्रोम को ओपन करिए, यहाँ पर आइए और यूआरएल सर्च में लिखिए मी क्यू आर, MEQR। इसे सर्च करिए, जो पहला वेबसाइट आता है उस पर आप क्लिक करेंगे। यही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक पेज खुल गया है। इस पेज को ध्यान से देखिए, URL लिंक है, PDF है, WhatsApp है, इमेज है, ठीक है, इतना सारा है। इमेज पे हमें बनाना है तो इमेज पे हम क्लिक करेंगे और उसका QR कोड बनाएंगे। तो इमेज हम कोई भी गैलरी अपना है वहाँ से उठाएंगे और लाएंगे। ये देखिए लॉगिन वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आप और फिर जो ऑप्शन है क्रिएट QR कोड कर सकते हैं, WhatsApp, PDF, UR लिंक कोई भी है तो इसे आप यहाँ से उसका लिंक का QR कोड बना सकते हैं। तो फिलहाल हमें इमेज का बनाना है तो इमेज पर क्लिक करते हैं और एक इमेज को यहाँ पर पहले लाते हैं। डाउनलोड वाला ऑप्शन पे आए, यहाँ पे एक इमेज को हम यहाँ पे लाते हैं। ये देखिए श्री गणेशा, गणेश भगवान गणेश का एक फ़ोटो है, उसका QR कोड बनाते हैं। चलिए इसका आ गया ये नेम ऑफ QR। कुछ अपने हम नाम देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें कुछ लिख देते हैं, जैसे यू लिख दिए। इसमें कैटेगरी कौन सा, किस कैटेगरी का आप रखते हैं वो आप कैटेगरी चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से डाउनलोड QR कोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड QR कोड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे देखिए, इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो हमारा QR कोड बनकर तैयार हो जाएगा। आप क्लिक करते हैं, दिखाते हैं आपको। चलिए आपका इस समय आपका नेट अच्छा रहना चाहिए। नेट स्लो होगा तब QR कोड बनने में थोड़ा सा देरी होगा। ये देखिए आप ये जो देख रहे हैं QR कोड, डाउनलोड QR कोड करके आ रहा है PNG। ये आपका QR कोड है उस फोटो का, जो फोटो आप यहाँ पे लाए थे भगवान गणेश जी का। देखिए हम तो ये फ़ोटो दिख नहीं रहा लेकिन ये QR कोड में कन्वर्ट है। आप इसे मोबाइल के गैलरी में आएंगे और स्कैन करेंगे। कोई भी फ़ोन अभी आप एंड्रॉयड है तो वहाँ पर आपको स्कैनर का एक दिखता है तो वहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। ये देखिए स्कैनर है इसका फ़ोटो का। अब हम दूसरे फ़ोन को ऑन डिस्प्ले खोलते हैं और इसे स्कैन करके आपको दिखाते हैं। वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा हमारा। लोकल खबर के लिए और ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और टेक्निकल जो भी खबर रहता है हम ज़रूर आप लोगों के बीच में साझा करना अच्छा समझते हैं, क्योंकि नॉलेज सबको होना चाहिए। ये देखिए इसको मैंने दूसरे फ़ोन का गैलरी को ओपन किया, वहाँ से इसमें देखिएगा स्कैन करने के लिए होता है अभी सभी सारे फ़ोन में। देखिए स्कैनर हम खोला और इसे स्कैन किया। अब देखिए कमाल, ओपन इन ब्राउज करेंगे और देखिए क्या क्या रिजल्ट आया। वो जो QR कोड था